छत्तीसगढ़ में एक अजब गजब मामला सामने आ रहा है। यहाँ अब कोई अधिकारी या कर्मचारी घूस मांग रहा है तो उसकी राशि लेने लोग कलेक्टर से जनदर्शन में गुहार लगा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला अंबिकापुर से सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति से पटवारी ने नक्शा दुरुस्त करने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर दी, लेकिन 2,500 देने के बाद बची हुई राशि ना होने पर फरियादी ने कलेक्टर के जनदर्शन में गुहार लगा दी। आवेदन दिए जाने के बाद कलेक्टर एक्शन में आए और तत्काल इस मामले को लेकर जाँच के आदेश दिए गए। दरअसल अंबिकापुर जिले में एक जमीन के मालिक ने अपनी जमीन नक्शा दुरुस्त करने के लिए आवेदन किया था, तब उसे पटवारी से अवैध तरीके से रकम की मांग का सामना करना पड़ा। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए पटवारी श्रवण पांडे ने भूस्वामी से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर दी। अपना काम कराने की मजबूरी में जमीन मालिक ने इसमें से 2,500 रुपए भी दे दिए थे और बची हुई राशि यानी कि 8,500 रुपए की रकम ना होने के कारण उसने अलग तरीका अपनाया। उसने कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर से उधारी के रूप में ये रकम की मांग कर दी ताकि वो पटवारी को रिश्वत देकर काम करा सके। कलेक्टर के जनदर्शन में अर्जी लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि नक्शा दुरुस्त कराने के लिए पटवारी 10,000 रुपए मांग रहा है, इसमें से 2,500 रुपए ले चुका है और अब 8,500 रुपए और मांग रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, रिश्वत देने में असमर्थ हूँ, मुझे 8,500 रुपए उधारी दिया जाए और मैं 1 महीने में उधार की रकम वापस कर दूंगा। वहीं कलेक्टर के सामने जैसे ही ये मामला सामने आया, तुरंत ही उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। पूरे मामले को लेकर अंबिकापुर SDM फागेश सिन्हा ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।